गई निकल 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 गई। बढ़िया भाई बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है भाई, स्कॉर्पियो निकल गई है। इसमें इतना पैसा लगा थारी खरीद लेते हैं 4x4। तरफ एक मिनट, अरे रुक भाई, इसको मैं हटाता हूँ। अब इधर कर, मेरी तरफ कर ले थोड़ा सा। चल ऊपर, झटके से ले, चल चल दोबारा, ये बस बस आराम से चल, निकाल 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 निकाल। उधर का टायर उस तरफ, उस तरफ का टायर उस तरफ। अच्छा रुक यार, मेरे को अपनी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। हट साले बीच में से। अब तो निकल जाएगी, राइट में करता हूँ। हाँ भाई इधर निकाल, थोड़ा सा बैग ले ले, हल्का सा बैग ले ले। बस बस, गड्ढा हो गया उधर पूरा। ग्राउंड क्लियरेंस तो वाकई बहुत कम है यार, बहुत बार कार लग चुकी है, 4-5 बार नीचे लग चुकी है, और जितनी बार भी नीचे लगी है भाई तो मेरे को उतनी बार ही बहुत ही दुख हुआ है। यहाँ से तो जीप वाले नहीं गए होंगे क्योंकि यहाँ पे तो देख कटा हुआ है काफी, आगे से गए होंगे, आगे से घूम के, या यहीं तक ही लाते हैं जीप वाले घुमाने। मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा इन्होंने रास्ता कहाँ से बनाया कहाँ से नहीं बनाया, मुझे नहीं समझ। लोगों का जो जाते हैं ना, हाँ जो जाते हैं नहीं, ये है ये है, वो रहा वो रहा वो रहा। अरे यहाँ से कैसे निकालेगा, ये देखना ये वाला सरफेस है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने दिमाग ये लगाया कि वहाँ के ना नदी 2 टुकड़ों में बट गई है, तो इन्होंने पहले वो क्रॉस किया फिर वो क्रॉस किया, इन्होंने इस तरह से क्रॉस किया हुआ है भाई। अब तक तो हम सारे जो हैं जितने भी रिवर क्रॉसिंग थी हम आराम से पार कर ली थी, बट भाई अभी मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज फ्लो देखो यार, बहुत तेज फ्लो है यार रिवर का, और यहाँ पे एक्चुअली उतरने का रास्ता भी नहीं है कि कार कहाँ से निकालते हैं, बिकॉज 4x4 जो पीछे आई थी कार यार, उनका आप देखोगे तो जो टायर्स के जो निशान है वहाँ से ऐसे आ रहे हैं, एंड उन्होंने वहाँ से शायद निकाली होगी, बट वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखो जो है फ्लो बहुत तेज है यार। तो यार कहीं ना कहीं मेरे को तो डाउट है यार, मेरे को लगता नहीं कि मैं आगे पार कर पाऊँगा। पानी घुटनों तक पानी है भाई, घुटनों तक पानी आ रहा है, और बिकॉज पानी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर पानी के नीचे का सरफेस भी फ्लैट होगा तो भी हम एक बार को रिस्क ले सकते हैं, बट घुटनों तक पानी आ रहा है तो नीचे सरफेस पत्थर है, वहाँ पर गाड़ी लग जाएगी, और लग गई एक बार बंद हो गई तो आसपास यहाँ पे कोई भी हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं है, ना ही कोई रेस्क्यू कर पाएगा। तो मैं ही सुभाष, हालांकि मेरे को कोशिश कर रहा है कन्वेंस करने की, बोल रहा है कि भाई चलते हैं निकल जाएगी गाड़ी, बट भाई मेरे को पता है कि वो जीप से आता है, यहाँ पे सफारी जब करता है तो जीप निकल जाती है, 4x4 है। पानी आ रहा है घुटनों से नीचे तक, और मैं मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं आशीष पे छोड़ता हूँ फैसला जाना है नहीं जाना, क्योंकि इसकी कार है, डैमेज हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो निकलने को निकल जाएंगे, तेजी से निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लगेगा तो 1-2 बार पत्थर लगेगा और निकल जाएंगे। वही मैं बोल रहा हूँ गाइस कि अगर हम ट्राई करते, क्योंकि हम पीछे जितने भी हमने ऑब्स्टिकल पार किए, जितने भी रिवर क्रॉसिंग की थी वो निकल तो गई थी आराम से, बट यहाँ पे भी यार निकल तो जाएगा, लेकिन पानी का जो फ्लो तेज है, बट प्रॉब्लम ये कि अगर बंद हो गई बीच में तो वो गाड़ी का जो मोमेंटम है ना, वो मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, और मोमेंटम एक बार ब्रेक हुआ फिर आप जितना मर्जी जोर लगा वो टायर आपके स्पिन ही करेंगे, आप इसको नहीं निकाल पाओगे। निकल गई 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 निकल गई। चप्पल पकड़ो, चप्पल चप्पल चप्पल। हो बढ़िया भाई बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है भाई, स्कॉर्पियो निकल गई है। तो इसमें इतना पैसा लगा थारी खरीद लेते हैं 4x4। चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, अब तो एक बार में निकाल देना है। आ गई आ गई आ गई, चल 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 चल। ओ भाई फाइनली भाई, ये क्या है, ये क्या है। वहां से ज्यादा यहाँ बहुत गड्ढा था, यहाँ भी बहुत नीचे चली गई थी स्कॉर्पियो, एकदम से झटका मारा निकली। वहां भी बहुत एफर्ट लगाए, अगर थोड़ा सा भी मोशन लूज हो जाता। आशीष भाई एक बार अंदर गई गाड़ी, सेकंड बार में गहरा था, और अगर थोड़ा सा भी लूज कर देता एक बार फंसने चालू हो गई थी। अच्छा जाते वक्त दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि फ्लो उधर का है। कहना चाहोगे भाई इस एक्सपीरियंस के बारे में? जो भाई हमने लास्ट बार XUV300 से पार नहीं कर पाए थे भाई, तो आज यहाँ आने का पर्पज सिर्फ इतना था। दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्ट्रीम, जो कि जहाँ पे कि आप देखा होगा पानी यहाँ तक, थाई तक पानी आ रहा भाई, और हमने पार कर दिया भाई। सो अभी फिलहाल बहुत बढ़िया अच्छा फील कर रहे हैं भाई, मतलब मज़ा आ गया कसम से, लिटरली मज़ा आ गया। और यहाँ तक आना भाई हमारा हो गया सफल। तो क्या बोलता है सुभाष भाई, ये मेरे ख्याल से लाइफ की सबसे डेंजरस ऑफ रोडिंग रही होगी। मोस्ट डेंजरस ऑफ रोडिंग भाई, मतलब जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, धक्का मार के कैसे निकाल रहे हैं हम, मतलब वो वाली स्कॉर्पियो भी फंस गई उनको, मतलब यार मतलब कुछ भी गया, मतलब दिल खुश हो गया कसम से भाई। क्या कह रहा है, क्या हो गया? नंबर प्लेट उठ गई भाई। कार स्टार्ट रखनी चाहिए। अच्छा टिप नंबर 1, ऐसी स्थिति में कार स्टार्ट रखनी चाहिए। ये निकल गई भाई, रोडिंग में इतना होता है। तो फिलहाल भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, दिल खुश हो गया भाई। अब जो होगा देखा जाएगा भाई, बट यहाँ तक गाड़ी आगे सब कुछ कर दिया है। गाड़ी खराब होने के बाद ठीक हुई, फिर यहाँ पे आई है भाई। अगर महिंद्रा की गाड़ियाँ लेके आपने ये सब नहीं किया ना, तो बेटर है फिर महिंद्रा लेना बंद कर दो आप, और बेटर है फिर हुंडई, सेल्टॉस, बहुत सारी गाड़ियाँ भाई, बहुत सारी आउट ऑफ इंडिया ब्रांड है, वो गाड़ियाँ लो और अपने घर पे खड़ी रखो। ऑफिस, घर या नॉर्मल जो टूरिंग करनी करो, बट ऑफ रोडिंग भूल जाओ। बट अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो भाई महिंद्रा, स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, इस तरह की गाड़ियाँ आपके पास है, तो आप रिस्क लो लाइफ में भाई, और गाड़ियाँ अपना एंजॉय करो, एक्सपीरियंस एंजॉय करो। ठीक है सुभाष? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मज़ा आ गया। ये पूरी ट्रिप रही थी हमारी, आप लगातार हमसे बने हुए हैं। हर तरह का पहले भी ऑफ रोडिंग करी एक बार, रिवर में, रेत में, हर जगह। ये वाला सबसे डेंजरस था, तो लास्ट के लिए बचा कर रखा हुआ था हमने। सस्पेंस इस वीडियो के साथ भाई, आपको वो टाटा बाय बाय बोलते हैं। तो टिल देन स्टे हेल्दी एंड सेफ, लव यू और टेक केयर, बाय बाय। 130% 140 BHP इज द कॉम्पिटिशन। 130 BHP क्लियर कट, वो 140 है पुरानी वाली, 140 है भाई। और लेट्स होप भाई, भगवान से दुआ करते हैं निकल जाए, पहली बारी में निकल जाए। चलो वो आ रहे हैं भाई, कम ऑन। 3-3 बैठे हैं वैसे तो, 2-2 बैठे हैं। कम ऑन। उसको बोलो पीछे बैठेगा। कोई बात नहीं आने दो, पीछे टायर में प्रेशर रहता है ना भाई, पीछे बैठ। कोई नहीं आने दो, चलो।